नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 22 मार्च 28 मार्च 2021 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो परिणाम आपको काफी सटीक मिल पाएगा। लग्न राशि आप कैसे जान पाएंगे, जो आपकी कुंडली है उसमें जो ऊपर बीच में चतुर्भुज बना होता है वहां पे जो नंबर डला होता है वो आपकी लग्न राशि होती है, और कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा लिखा हो और जो नंबर पड़ा हो वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो दोनों से मिलाकर के आप परिणाम को देखेंगे तो काफी करीब तक सटीक आपको उसका रिजल्ट समझ में आ पाएगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। अब मैं आपको जो ग्रह हैं किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं उसके बारे में संक्षेप में बता दूं। अभी मंगल राहु के साथ में वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में है, गुरु के साथ में शनि मकर में है और बुध भी कुंभ राशि में है। मीन में सूर्य के साथ में शुक्र ट्रांजिट करेंगे, तो ये प्रमुख ग्रहों की स्थितियां हैं। और जो इस सप्ताह का पंचांग है, जो राशि रहेगी वो मिथुन रहेगी, तिथि जो रहेगी वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी रहेगी, नक्षत्र जो रहेगा आर्द्र का दूसरा चरण रहेगा और योग सौभाग्य रहेगा करुण रहेगा। ये पंचांग की स्थिति है। ये सारे ग्रह नक्षत्र मिलकर के कैसे आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर मेल राशि आप लोगों के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले तुला के लिए बात करते हैं। आप लोगों के जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए कुछ यात्राएं देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके होंगे, किसी तरह का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल आप देख सकते हैं जो कि आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने का कार्य करेगा। हायर एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग धर्म से आध्यात्म से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रारंभ काफी अच्छा है। पिता का भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी आप स्पेसिफिक जो आपका कार्य क्षेत्र है, टूर ट्रेवल से जुड़े हुए जिनका काम है, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो आपका इंटरनेट का फ्रेंड सर्कल है, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ ना कुछ शुभता भरे परिणाम या इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो प्रारंभ आपके लिए काफी अच्छा है। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपको नेम फेम पद प्रतिष्ठा जॉब में प्रोग्रेस इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। जहां आपका कार्य व्यवसाय है लोगों को आपको काफी सपोर्ट मिलना, जिनके अंडर में आप काम करते हैं उन लोगों के द्वारा आपको किसी तरह का अप्रिशिएशन मिलना या उनका सपोर्ट मिलना कार्य क्षेत्र में, ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथ में आपको घर के अंदरूनी वातावरण के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। घरेलू पक्ष जो आपका रहेगा वो मध्य पीरियड में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, तो आप अपने घर के सुखों के प्रति सजग रहिएगा, अपने बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन करके रहिएगा कि कोई भी घर में वाद विवाद या तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनने पाए। अपने स्वास्थ्य का, अपने मदर के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होकर के रहिएगा, और विशेष रूप से जो आपके मदर के साथ में संबंध है उसका विशेष ख्याल करिएगा, उनके साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। फिर जो आखिरी टाइम रहेगा वो भी आपके लिए सपोर्टिंग है। तुला वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह ही काफी सपोर्टिंग है। वीकेंड में आपके लिए हर एक तरह से धन से संबंधित शुभता वाली चीजें देखने को मिल सकती है। आय की स्थिति आपको स्ट्रांग होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो आपका संतान पक्ष है, जो लुक्रेटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उन सभी के लाइफ में पढ़ाई से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी तरह के एनजीओ से इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के योग निर्मित होना, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से एक सपोर्ट मिलना, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा है, इन चीजों में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। तो वीकेंड जो है आपके लिए हर तरह से सपोर्टिंग है, स्पेशली आपके लिए कहीं ना कहीं से इनकम की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो तुला लग्न राशि वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह ही जो है काफी शुभ जा रहा है। मध्य पीरियड में परिवार के इंटरनल जो सुख होते हैं उनके प्रति सजग रहना है। वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक लग्न राशि के जो लोग हैं, सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में निकालना पड़ेगा। किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। इमोशनली मेंटली आप अपने आप को थोड़ा लो फील करेंगे तो परिवार के अंदर एडजस्ट करके चलिएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा उसको बहुत सोच समझ करके करिएगा, या कोशिश करिएगा थोड़ा सा रुक करके आप उसको लें। पेपर वर्क के लिए टाइम पीरियड नहीं सही है, क्योंकि आप अपने आप को फिट नहीं पाएंगे इमोशनली, और परिवार के अंदर भी वाद विवाद या कलहपूर्ण स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में आप एडजस्ट करके आगे निकलिएगा। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से काफी अच्छा रहेगा।
आपके कार्य क्षेत्र में, आपके एजुकेशन में, जो भी लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वो काफी सपोर्टिंग रहेंगी। भाग्य का, पिता का, इन सारी चीजों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मध्य पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। यात्राएं देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र को, आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाले हों, या कोई एजुकेशनल ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं जो कि आपके एजुकेशन से जोड़ करके हो, या कोई धार्मिक यात्राएं इस तरह के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधित जो चीजें हैं उसमें एक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल रहा है। वाणी, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी मध्य पीरियड काफी सपोर्टिंग है। तो वृश्चिक वालों के लिए जो मध्य पीरियड है वो हर तरह से काफी सपोर्ट देने वाला बना हुआ है, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। फिर जो सप्ताह का आखिरी पीरियड है वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। जहां आप जॉब करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, परिस्थितियां वहां पे आपके काफी अनुकूल रहेंगी। लोगों का सहयोग मिलना, जिनके बीच में आप कार्य करते हैं वहां पे आपकी एक अलग पहचान बनना, इस तरह का योग आपके लिए निर्मित होगा। जॉब से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसे मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के योग निर्मित हो रहे हैं। परिवार का जो अंदरूनी सुख होगा उसके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना है, क्योंकि वहां की स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, तो घरेलू पक्ष का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर धनु लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। समाज में आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कहीं से फाइनेंस का आना होगा, जो डेली का ट्रांजेक्शन होता है, पैसों का लेन देन होता है, उसमें आपके लिए पॉजिटिविटी दिख रही है। कहीं से आय की स्थितियां निर्मित होना, धन प्राप्ति के योग होना, इस तरह का योग आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में एक आपकी पहचान बनना, ऐसे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो मध्य पीरियड है वहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि वो चीजें आपके लिए सपोर्ट में नहीं जाएंगी। हो सकता है इमोशनली मेंटली आप अपने आपको बहुत लो फील करें, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हो या कोई प्लानिंग हो, इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा समझ करके तो ही आप आगे बढ़िएगा। मध्य पीरियड उतना सपोर्टिंग आपके लिए नहीं है। फिर जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सहयोग देने का काम करेगा। भाग्य का, पिता का, सभी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वीकेंड आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। आपके लिए कुछ यात्राएं भी देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, आपके कार्य व्यवसाय से जुड़ करके हो सकती हैं। भाग्य का, पिता का, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों का, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, अड़ोसी पड़ोसी है, उन सभी के साथ में आपके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। कुछ यात्राएं हो सकती हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, या किसी भी तरह का कुछ गैदरिंग जैसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ इंजॉयमेंट जैसा कोई ट्रिप हो, इस तरह की स्थितियां आपके लिए वीकेंड में दिखाई पड़ रही हैं, तो वीकेंड आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मकर वालों के लिए बात करें तो जो आपका सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। कुछ खर्चे भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकते हैं, या अनावश्यक खर्चे के योग निर्मित हो सकते हैं। किसी से वाद विवाद वगैरह रहा होगा तो आपके सुलझने के योग बनेंगे। कोई लीगल डिस्प्यूट या किसी भी तरह का पहले से चला रहा कोई केस वगैरह होगा तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे, इस दृष्टि से काफी अच्छा है। या कोई कंपटीशन वगैरह दिया हो तो वहां पे एक सक्सेस के योग, ऐसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। खर्चों के प्रति आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, खर्च शुरुआत में हो सकते हैं। मध्य पीरियड जो है वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्टिंग है। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें जबरदस्त आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धन लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी काफी वृद्धि होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, लोगों के बीच में आपकी पहचान बनना, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं। तो मध्य पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है, हर एक तरह से आपको सपोर्ट देने वाला काम करेगा। जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, जो भी आपने पहले से कुछ प्लान करके रखा होगा, सक्सेस वाला टाइम पीरियड रहेगा। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, इस तरह का सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है मध्य पीरियड। फिर जो वीकेंड रहेगा वहां पे थोड़ा आपको केयरफुल होकर के चलने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। पेपर वर्क से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उसको बहुत सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि उसके लिए समय आपके लिए सपोर्ट का नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन आगे चल करके आपके अगेंस्ट चला जाए, तो वीकेंड बहुत संभालते हुए आपको निकलना है। उस पीरियड में आप अपने आप को इमोशनली मेंटली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है शुरुआत में और
लास्ट में केयरफुल होकर के रहना है, मध्य पीरियड आपके लिए हेल्थ एंड सपोर्टिंग है। फिर कुंभ वालों की बात करें तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये काफी अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं या जो स्टूडेंट वगैरह हैं, तो पढ़ाई वगैरह आपकी काफी अच्छी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी, इस तरह के योग निर्मित होंगे। धन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी, जो आपका बड़ा भाई बहन है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं उन सभी के लिए शुरुआत जो है काफी सपोर्टिंग रहेगी। आय के योग निर्मित होंगे, कहीं से चलना धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो कुंभ के लिए जो शुरुआत होगी वो हर एक तरह से शुभता भरा परिणाम देगी। आपका लोगों के बीच में किसी तरह का आपकी पहचान बनना है, ऐसी स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा आपके लिए अनावश्यक वाद विवाद या खर्चे लेकर के आ सकता है, तो उसके प्रति आपको सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी खर्च या इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसको थोड़ा सोच समझ करके ही करिएगा, क्योंकि वो निर्णय गलत भी हो सकता है, ऐसी संभावना बढ़ सकती है। कोई वाद विवाद वगैरह होगा तो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे, लेकिन आप स्वयं आगे बढ़कर के किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। फिर जो वीकेंड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से शुभता भरा टाइम पीरियड रहेगा। धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं। कुंभ वालों के लिए वैसे भी टाइम काफी अच्छा होने जा रहा है, पहले से स्थितियां उनके लिए काफी अच्छी हो गई हैं। लास्ट कुछ टाइम से उनके लिए समय उतना सपोर्टिव नहीं था, लेकिन अब चीजें काफी पहले से काफी हद तक चीजें जो है आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। तो वीकेंड जो रहेगा आपके लिए कुंभ वालों के लिए वो काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। तो जो भी लोग कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनका बिजनेस है, टेली का ट्रांजेक्शन है, उनके लिए कहीं से पैसों की आवक जो है वो भी देखने को मिल सकती है। तो इस पूरे समय का आपको अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जो वीकेंड का टाइम है। इसके बाद मीन वालों की बात करें तो जो शुरुआत होगी आपके घर के जो अंदरूनी सुख है उसके में आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद या कलह जैसी स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, इसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय आपका अच्छा रहेगा, जहां आप जॉब करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वहां पे चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगी, काफी इजी रहेंगी, लोगों का सहयोग मिलना, आपके लोगों के बीच में अलग पहचान बनना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। परिवार के सुखों के प्रति सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से शुभता भरा परिणाम दे सकता है। धन प्राप्ति से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, लोगों का सहयोग मिलना, बड़े भाई बहनों का, फ्रेंड सर्कल का, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं तो हाई अथॉरिटी से उनको सपोर्ट मिलना, या जो लोग एनजीओस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए एक नेम फेम प्रसिद्धि, पैसे की प्राप्ति, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। संतान पक्ष से लाभ के योग निर्मित होना, जो लोग किसी तरह के लॉटरी वगैरह या किसी तरह के फाइनेंस से जुड़ा हुआ कुछ कार्य करते हैं उसमें कहीं उनको धन प्राप्ति के योग निर्मित होना, ये सारी चीजें आपके लिए देखने को मिल सकती हैं। जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा मध्य पीरियड। तो वीकेंड जो रहेगा उससे कंपेटिवली जो आपका मध्य पीरियड है वो काफी सपोर्टिंग है। फिर मीन वालों के लिए जो वीकेंड होगा वहां पे थोड़ा सा आपको संभाल करते हुए चलना है, कोई भी खर्च वगैरह आप करेंगे तो उसको काफी सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि खर्चों का योग निर्मित होगा। तो वो खर्चे हो सकता है कि हेल्थ वगैरह से जुड़ करके हो या किसी अनावश्यक चीजों पे व्यय हो, ऐसे योग निर्मित होंगे आपके लिए। तो खर्चों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान होकर रहना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। कोई पहले का वाद विवाद चला रहा होगा तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जाने का बन सकता है। कुछ यात्राएं भी आप देख सकते हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का काम करेंगी। तो इस तरीके से जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है, जो एंड है, वहां पे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बाकी मध्य पीरियड आपके लिए हर एक तरह से शुभता भरा परिणाम देने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए आने वाला सप्ताह जो है मिला जुला प्रभाव देगा, और ये बहुत ही साधारण गुजर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो इसको आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। फाइनल जो स्थिति होती है आपके जन्म की कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, किस तरह उनका आपस का एक कॉम्बिनेशन है, कौन सी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, इन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो आशा कर रही हूँ कि आपको आने वाला सप्ताह प्लान करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी, और रेमेडी के तौर पर मैं यही बोलूंगी कि जो भी आप अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं उसी की करिए, उसी से सारा सपोर्ट मिलता है और बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जहां पे मैं बताऊं कि
इमोशनली आप अपने आप को डल फील करेंगे या कोई इंपॉर्टेंट निर्णय मत लीजिएगा, तो उस पीरियड में थोड़ा सा स्पेशली अपने जो आपका इमोशनल साइड है उसके प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मेंटली एक डिस्टर्बेंस जैसा टाइम फेस करना पड़ता है, तो वहां पे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। और फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगी जो हर वीडियो में करती हूँ, कि जो भी लोग पहली बार देख रहे हो मेरा चैनल, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इसमें कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।